स्कूल इंडिया गेट की टीजे जमाती विद्यार्थी हाँ आज मैं आज सब जी नू टीजे पाशा टंटन श्री गुरु अमरदास जी की एक साखी सर्वन करान जा रहे हाँ सात संगत जी जिले असि सारे जानते हैं आज के समय में देशों विदेशों में कोरोना वर्गी महामारी फैली हुई है ता मैं आज सब जी नू बेनती करती हाँ कि तुसी सारे ऐसा करो पले अमरदास कुन तेरे तेरी उपमा तोहे बनावे। एक दिन सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी रात के समय अपने आसन ते विराजमान सन। एक इस्त्री कूक पुकार कर रही सी। गुरु जी ने जब उसकी पुकार सुनी तो उन्होंने नेत्र खुल गए। गुरु जी ने अपने सेवक को कहा, ऐ अचानक किसने चीख पुकार दीती है? किस कारण इस औरत ने दुख पाया है? बल्लू जी ने दसिया, पुत्र पुत्र कह के विलाप कर रही है। उसके पुत्र दुखी हुए है, कुछ भी जाना नहीं जा सकता। पुत्र दुखी है क्या उसकी मृत्यु हो गई है? ता गुरु जी ने कहा, जाके खबर ले आओ क्यों दुखी हुई है ऐ मैनू दसो। ता आगे सुन के भाई बल्लू जी चले गए। उठे जाके उस स्त्री के मरे हुए पुत्र ने देखा। सब तरह नाल पूछ के उन्होंने गुरु जी के कोल आके दसिया, विधवा स्त्री का केवल एक ही पुत्र सी। तैया ताप ने उसने बहुत दुख दे के निर्भय करके मार दिता है। ता गुरु जी ने कहा, जब सवेर सार होगी ता इसका मरा हुआ पुत्र जिंदा हो जाएगा। और उसने कह दो कि विलाप ना करे। तैया ताप ने उसी कैद में बन लेंगे। हाँ उनके भाई बल्लू जी ने जाके उस औरत ने रोल तो हटा दिया। जब सवेर हुई ता उन्होंने मरे हुए पुत्र को ले आई। गुरु जी ने उठ के उसको अपना चरण चुराया। बालक फौरन जीवित हो गया। फिर गुरु जी ने तैयार ताप ने बुलाया, उसका बालकवान शरीर बना देता। उसके पैर विच जंजीर पा देते, अति गले विच पटा पा देता। दोवां हथां नूं हटकड़ियां मार दित्तियां, अति लोहे दे पिंजरे विच पा के उसने टिका दिता। अति गुरु जी ने कहा, इसने साडा डर नहीं मन्या है। इसने नगर विच आके हुकम उगली कीती है। एक विधवा दे बालक नूं ही मार देता है। असी इह प्रण कीता सी कि साडे हो गया कोई भी पुत्र अपने मां प्यो दे वेख्या नहीं मरेगा। पर ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਨੇ ਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਵਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਸਣਾ ਰੁਕੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। उसके शरीर के अंग बहुत दुर्बल हो गए सी। गुरु जी के सिखा नु बंदरा कर दिया सी, अते कहंदा सी, कोई ऐसा उपकार आओ जेड़ा मैनु दया करके छुड़ा दे। पुराने सेवक पास जांदे सन, दुखी बैठे सन, पर उस वास्ते कोई भी कुछ नहीं सी कहंदा। गले पिंडे जेड़े सिख सन ओ गुरु जी के दर्शन वास्ते आए। कई तरह के निशाने पेश करके श्री सतगुरु जी दे नसीब बैठ गए। फिर गुरु जी ने अपने शुद्ध अते रवनीत वचन कीते, मेरे सारे सिख कुशल आनंद हैं, सारी संगत विच मिल के आनंद लेंदे हैं। दल्ले विच भी मेरे सिख सेवक हैं, पारो जुड़का अते नालो आठ सब तो वड्डे हैं, जिन्हां नूं मिलण नाल कई मनुखां दा उद्धार होया है। ऐ सुन के भाई लालू जी ने कहा, अपनी संगत जान के बख्शो जी, जो कुछ है तो आपका ही बर्ताव है, असी बेचारे दास कौन हाँ। इस तरह के वचन कह अति सुन के उठे रह के एक तो दिन बतीत कीते। भाई लालू जी ने गुरु जी के पास आंदा जांदा पिंजरा वेख्या। उसके विच बड़ा दुर्बल बालक कैद किया होया सी। बालक नूं वेख के उन्हां दे मन विच बड़ी दया आई। तां सतगुरु पास जाके उन्हां नूं कहा, महाराज ਇਹ ਬਾਲਕ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਨਿਰਬਲ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤਈਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਛੁਡਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੈਠਾ
गुरु जी तो विदा होके सारे चल पे। उस बालक को अपने नाल ले लिया। जब कई पिंग मुका के पहुंचे तब तैयार का पुखना व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया। भाई लालू जी नो हथ जोड़ के कहने लगा, हो रही चलंती मेरे में ताकत नहीं रही है, मेरे शरीर में बहुत भूख लगी है, भोजन तो बगैर कई दिन बीत गए हैं, मैनू आज्ञा दो मैं भोजन चल के तृप्त हो जावा, फिर तुरंत तुम्हारे नाल चल पवांगा। भाई लालू जी ने कहा, भाई लालू जी ने दया करके कहा, अगे पिंड विच चलते हाँ, दाल आटा लेके बहुत भोजन पकाते हाँ, चंगी तरह तेनू तृप्त करावांगी। ओह नगर दूर नहीं है, नेड़े ही समझो, उत्थे मन पौधा खाओ, फिर तेनू नाल लेके चलांगे, हौली हौली तुरकी तू थकेगा नहीं। फिर तैयार ने तात ने तात ने कहा, मेरा भोजन हुन ऐसा मौजूद है, तुम्हारी आगे तो बगैर खा नहीं सकता, जे कहोगे तो तुरंत रज जावांगा। सहर सुनाओ, भाई लालो जी ने कहा, जे तू भोजन अभी लिया है तो खा के रज ले, असी कड़ी पर ले ही अच्छे ठहर जाएंगे हाँ, फिर असी तेनू नाल लेके चल पवांगे। उठे तो भी कपड़े धो रहा सी, कपड़े निचोड़ निचोड़ सुखने पा रहा सी, जट भाई लालो तो आज्ञा ली, जट भाई लालो की तो आज्ञा ली, तो धोबी ता तैयार ता जब धोबी के शरीर नु जा चढ़िया, धोबी कमदा होया डिग पया, सारा शरीर पीर करने लग पया, उसका खून इस तरह चूस लिया जिस तरह धोबी कपड़े निचोड़ता होया जल निचोड़ देता है। दैयात आपने करा करके ठीक ना पड़ा, अति भाई लालू जी के पास ही आ रखा, विखान लगता, ऐ देख लो मेरा तो इस तरह का भोजन है, बहुत समय तो भूखा सी, ऐ पी के एक समय रह जावांगा, तुम्हारी कृपा हुई है मैंने बचाया है, वड्डे बंदरा तो मैंने खोज छिड़वाया है। ऐ सुन के अति देख के भाई लालू जी के हिस्से में बहुत डर आया, फड़िया होया सी पिंजरे विचों मैं कढ़वाया है, ऐ ऐडी बला है, मैं तो कुछ नहीं सी जानता, भयानक कलमा वाला अपने नाल ले आया हाँ। तब भाई लालू जी ने कहा, चल पिछे मुड़, तब गुरु जी के दरवाजे पे चल, मैं तेनू अपने नाल नहीं ले जावांगा, तू जीवन नु दुख देने वाला वड्डा पापी है, मनुख नु व्याकुल करके महान दुखी करता है, गुरु जी तेनू कैद रखेंगे, फिर लहू दा भोजन कितों प्राप्त करेगा, नानक चोर को बिन का